अभिनंदन है जी सभी का कृषि अवार्ड चैनल पर। आज हम आपको ट्यूलिप फ्लावर बनाना बताएंगे। जैसे कि हमने पहले पत्तियां बना ली हैं और आपको हम फूल बनाना बताएंगे कि कैसे हम फूल बनाएंगे। जैसे हमने वीडियो में पहले हमने येलो कलर ऊपर वाली साइड लेकर और नीचे वाली साइड ऑरेंज कलर को बाहर वाली साइड ऊपर वाली साइड जाने की हमने शेडिंग दी है और अच्छी तरह से उसको मिक्सिंग कर देना है ताकि कहीं से भी कलर जो है ज़्यादा अगर आपसे लग जाए तो उसे अच्छी तरह से फिनिश कर दें। और इसी तरह से हमने जो बीच वाला पार्ट है नीचे वाला उसमें थोड़ा सा येलो कलर लेके उसकी जो फ्लावर की नीचे वाली साइड है डंडी वाली साइड वहाँ पर हल्का सा लाइट कलर लेके हमने थोड़ी सी शेडिंग की है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से हमने दूसरे कलरों के भी फ्लावर बनाने हैं और इसी तरह से हम ये ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का फ्लावर बना रहे हैं। इसमें भी हमने ऊपर वाली साइड लाइट कलर लगा के और नीचे वाली साइड जो है वो हम डार्क ब्लू कलर लगाएंगे और इसकी नीचे से ऊपर वाली साइड को शेडिंग करेंगे और इसके बाद हम इसको उसी तरह से ब्लू कलर से लाइट से और अच्छी तरह से फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद हम इन पर जो है आउटलाइन करेंगे गोल्डन 3D की जो आउटलाइन आते हैं गोल्डन कलर के उससे हम इसकी सारे फूल की आउटलाइन कर देंगे और जो पत्तियां हैं ग्रीन कलर की उसकी भी हम इसी से आउटलाइन कर देंगे तो इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। और जब ये सूख जाएगी 3D तो उसके बाद जो शाइनिंग है वो कलर की और भी ज़्यादा अच्छी आएगी और वो सूख कर और भी ज़्यादा पतला लगेगा।